अवामी वेलफेयर फोरम के महासचिव शेख जमशेद ने आज हंदवाड़ा में यूएलवी पंचायत चुनावों पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की आम जनता से आगामी यूएलवी पंचायत चुनावों में दिल से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कश्मीर के युवाओं से यूएलवी पंचायत चुनावों की तरह आने और भाग लेने का भी आग्रह किया। शेख ने यह भी कहा कि शिक्षित युवा हर प्रकार की योजनाओं को जानते हैं, इसलिए समाज की भलाई के लिए शिक्षित युवाओं को सरपंच, पंच और अन्य पदों पर नियुक्त करना महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचायती इंतखाबात जो है वो आने वाले हैं, तो इस सिलसिले में मेरी अपील रहेगी आम शहरियों से, आम लोगों से और खास करके युवाओं से कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। देखिए, पिछले 72 सालों से जो इस्तेसाल आम लोगों के साथ होता आ रहा है उसी को नजर में रख के इस बार आपको एक मौका मिला है अपना लीडर चुनने का। आपको एक मौका मिला है कि अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, देखिए ये वोट आपका राइट है या आपका हक है, तो इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपना जो चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, इनको खास करके युवाओं को मौका दें, जो वेल एजुकेटेड यूथ हैं इनको मौका दें, पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार ना हो, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स जो है अगर हम सही मायने में सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, सही एक ऐसे डायनेमिक लीडर को चुनेंगे, एक वेल एजुकेटेड लीडर को चुनेंगे, वो जाके इन स्कीम्स का लाभ जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों को अवेयर करेगा कि इन स्कीम्स से उनको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, पिछले 72 सालों से हमने मतलब खानदानी राज को सपोर्ट किया। मेरा ये मानना है कि आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई क्योंकि मेरी गुजारिश रहेगी बुजुर्गों से, मेरी माओ बहनों से, मेरे वेल एजुकेटेड यूथ से, खास करके वेल एजुकेटेड यूथ से, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। वेल एजुकेटेड यूथ सामने आकर जोक दर जोक पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें, क्योंकि वोट ये आपका राइट है या आपका अधिकार है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। देखिए, आपका एक वोट डिसाइड करेगा आपका आने वाला कल। आपका एक वोट डिसाइड करेगा जो 5 साल तक आप जो डेवलपमेंट देखेंगे, 5 साल तक जिसको आप मुंतखब करेंगे, आपका एक वोट आपका आने वाले जो पांच साल है वो आपका डिसाइड करेगा। मेरी अपील रहेगी सोशल एक्टिविस्ट से, पीस एक्टिविस्ट से, एनजीओ से और जो विलेज सतह पर जो औकाफ कमिटीज होती है, विलेज सतह पे जो सिविल सोसाइटीज होती हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और जोक दर जोक पार्टिसिपेट करें, इसमें हिस्सा लें और युवाओं को, खास करके युवाओं को इसमें मौका दें, आगे आने का मौका दें और खास करके वेल एजुकेटेड यूथ को, ताकि जो गवर्नमेंट की ओर से स्कीम्स है अगर हम सही मानों में सही लीडर को चुनेंगे, सही पंच को चुनेंगे, सही सरपंच को चुनेंगे, सही डीडीसी को चुनेंगे, तब जाके वो जो जितनी भी स्कीम्स हैं ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट लोगों के लिए मुहैया करता है वो जाके कल लोगों को फायदा देगा, डेवलपमेंट की ओर वो काम करेगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी हर एक से, पूरे कश्मीर के लोगों से, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो जोग दर जोग इसमें हिस्सा ले, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपका एक वोट आपका कल डिसाइड करता है।